अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5 का चैप्टर 1 लार्ज नंबर की एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। क्वेश्चन है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। यहाँ जो अंडरलाइन डिजिट दिख रही है आपको, उनकी हमें प्लेस वैल्यू बताना है। बहुत ईजी है, हम प्लेस वैल्यू पढ़ चुके हैं। प्लेस वैल्यू क्या क्या होती है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, तो ये यहाँ पर हमें बताना है। बहुत ईजी है। थ्री की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, देखिए 5 की प्लेस वैल्यू 1 है, तो 3 की क्या होगी, 10 होगी, टेंस होगी। फिर यहाँ देखिए 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1, टेंस, 100, 1000 होगी 3 की प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या होगी, 1, टेंस, 100 होगी यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये जो 9 है इसकी वैल्यू 1 होगी। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, दो तरीके से लिखते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म में। कैसे, 2 क्या है, 100 प्लस 6 10 प्लस 4 वंस, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या है, 200 प्लस 60 प्लस 4, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बाकी नंबर्स को भी आप इस तरीके से लिखेंगे अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट है, राइट पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, तो यहां पर हमें पीरियड्स लगाना है। यहाँ पर पीरियड्स माने कॉमा, जैसे हम कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो पीरियड्स होता है इंडियन नंबर सिस्टम में, सबसे पहले वंस, टेंस और हंड्रेड के बाद में लगता है, और उसके बाद फिर सबसे पहले वंस, टेंस और हंड्रेड के बाद में कॉमा लगता है या पीरियड लगता है, और उसके बाद फिर टू टू डिजिट आती है। लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, 333 डिजिट के बाद ही कॉमे या पीरियड्स होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर कॉमा इस तरीके से लग जाएगा, इंडियन नंबर सिस्टम का इस तरीके से हो जाएगा, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का इस तरीके से हो जाएगा। चलिए और एक एग्जांपल देख लेते हैं, थर्ड वाला। इंडियन नंबर सिस्टम में इस तरीके से कॉमा लगेंगे, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इस तरीके से पीरियड्स लिखेंगे। नेक्स्ट है, फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट। जो डिजिट्स दी गई हैं, इनसे हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले बड़ी, सबसे बड़ी नंबर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी आखिरी में लेते हैं। और जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है, तो हम पहले सबसे पहले सबसे छोटी नंबर, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। लेकिन अगर जीरो भी होता है डिजिट में, तो जीरो हमेशा सेकेंड प्लेस पर आता है। तो इसकी देखिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगी। ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगी, सबसे पहले सबसे बड़ी नंबर, सबसे बड़ी है 7, 7 के बाद आएगा फिर 5, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, और फिर आएगा 1, और फिर आएगा 0। इस तरीके से सबसे बड़ी नंबर तो बन जाएगी, वो बनेगी 7,53,210। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी, स्मॉलेस्ट नंबर में सबसे पहले सबसे छोटी नंबर आएगी, 1 आएगी, उसके बाद सेकंड प्लेस पर 0 आएगा, फिर 2, 3, 5 और 7। इस तरीके से जो स्मॉलेस्ट नंबर हमें मिलेगी, वो मिलेगी 1,02,357। चलिए इस पर सेकंड क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे बड़ी नंबर 9 लिखेंगे, फिर 8, 7, 3, 2, 0। तो जो नंबर मिलेगी हमें वो होगी 9,87,320। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की सबसे पहले सबसे छोटी नंबर, सबसे छोटी नंबर यहाँ पर 2, सबसे पहले लिखेंगे 2, सेकंड नंबर पर आएगा 0, सेकंड 0 हमेशा सेकंड नंबर पर आता है जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है, तो फिर 3 आएगा, 7, 8 और 9। इससे जो हमें नंबर मिलेगी, वो मिलेगी हमें 2,03,789। नेक्स्ट देखिए, पुट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द बॉक्सेस। यहां पर हमें निशान लगाना है, ग्रेटर देन या लेस देन। चलिए देखते हैं, 337 एंड 29, तो यहाँ पर कौन बड़ा है, 337 बड़ा है और 29 छोटा है। तो नोक हमेशा किसकी तरफ आती है, नोक हमेशा छोटे की तरफ आती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसा निशान लग जाएगा, इसे बोलेंगे हम 337 इज ग्रेटर देन 29। यहाँ पर देखिए कौन बड़ा है, सबसे पहले हम सबसे फर्स्ट नंबर को देखते हैं, तो यहाँ 3 सेम है, इससे हमें पता नहीं चलेगा कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल है। फिर सेकंड डिजिट देखेंगे हम, 100 का प्लेस 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ से इससे भी बराबर हुए वो। फिर थर्ड प्लेस देखेंगे हम, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 1 वाली जो नंबर है ये छोटी होगी और 2 वाली नंबर बड़ी होगी। तो इसे कैसे बोलेंगे हम, 3914
इज लेस देन 3924, ठीक है, नो हमेशा छोटे की तरह। अब इस तरीके से आप लोग देखिए, इनको दोनों को आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। तो जो जैसे हमने पहले पढ़ा था चैप्टर में, राउंड फिगर जिसे हम कहते हैं, राउंड फिगर में हमें नंबर को लिखना है। तो नियरेस्ट 10 के बारे में हमने पढ़ा था कि 1 से लेके 4 तक अगर नंबर आएगी 1 के प्लेस पर, तो वो पिछले नंबर के करीब में हो जाएगी, और अगर 5 और 5 से आगे की नंबर आएगी तो वो क्या हो जाएगा, किसके करीब होगी, अगली जो नंबर आएगी उसके करीब होगी। देखिए एग्जांपल, जैसे यहाँ पर लिखा है 15, तो 15 में हम 1 का प्लेस देखेंगे, 1 का प्लेस में क्या लिखा हुआ है, 5। तो ये इसका राउंड क्या होगा, नियरेस्ट राउंड जो होगा वो 20 होगा, ठीक है, 20 के करीब है ये 15 जो है। अगर यहाँ 14 होता, 13 होता, तो ये 10 के करीब होता। अगला देखिए 343, तो यहाँ 1 के प्लेस पर क्या है, 3 है, और ये पिछले नंबर के करीब होगा, तो इसका जो राउंड है, राउंड नियरेस्ट 10 क्या होगा, वो होगा 340 होगा। इस तरीके से 178, तो 8 जो है ये अगले 10 के नियरेस्ट 10, इसका अगली 10 की डिजिट होगी, तो इसका जो नियरेस्ट 10 होगा वो होगा 180, और इसी तरीके से यहां पर हो जाएगा 150, ठीक है। अगला देखिए, टू द नियरेस्ट 100, अब हमें नियरेस्ट 100 बताना है यहां पर, तो 672, इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 700 होगा। क्यों, क्योंकि अगर 650 से कम होता, यानी 649 होता, तो उसका नियरेस्ट 100 होता 600, लेकिन 650 या 650 से आगे 651, 652 जो भी नंबर आएंगी 700 तक, वो क्या होंगी, नियरेस्ट 700 के करीब में होंगी, ठीक है। इसका नियरेस्ट 7 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 97 का, 532 का नियरेस्ट 100 क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 549 या उससे कम है। फिर 450 का नियरेस्ट क्या होगा, 500 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अगर, तो 450 का नियरेस्ट 100 क्या होगा, 500 होगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट है 8 डिजिट एंड 9 डिजिट नंबर्स, 10 लाख इज द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड 99,99,999 इज द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर जो होती है वो 1 और उसके बाद 0 लगाए जाते हैं, जितनी भी डिजिट नंबर कहा गया, जैसे 7 डिजिट कहा गया, तो इसमें 1 क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1, और बाकी जो 6 बचेंगे वो 0 हो जाएंगे। और जो ग्रेटेस्ट नंबर होती है वो हमेशा 9 के फॉर्म में होती है, जितने भी डिजिट कहा गया है उतने हम 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर 7 9s लिख दी है। नेक्स्ट देखिए, सिमिलरली 99,99,999 प्लस 1 और 1 करोड़ इज द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। अगर हम किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर में अगर 1 प्लस कर देते हैं तो वो अगली स्मॉलेस्ट नंबर बन जाती है। जैसे ये 7 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है, अगर हम इसमें 1 प्लस कर देंगे तो ये 8 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगी। एंड 9,99,999 इज द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर। और जब ये 1 करोड़ से हम आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे, 8 डिजिट कब तक चलते रहेगी, 8 डिजिट चलेगी 9,99,99,999 तक चलते रहेगी। ये सबसे बड़ी 8 डिजिट की नंबर होगी, और इसमें जैसे ही 1 प्लस करेंगे तो ये 9 डिजिट की नंबर बन जाएगी सबसे स्मॉलेस्ट। ऑल नंबर बिटवीन 1 करोड़ एंड 9,99,00,000, ये जितना 99,999 और 8 डिजिट, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होती है किसी भी डिजिट की और जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होती है, उनके बीच जितनी भी नंबर्स होती हैं वो उतनी ही डिजिट की होती हैं, जितनी डिजिट की ये दोनों नंबर है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 करोड़ और 9,99,99,999, इन दोनों के बीच में जितनी भी नंबर आएंगी, जैसे कि 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 2 लाख, इतनी भी जो भी नंबर आएंगी, ये 9,99,00,000 सबसे
स्मॉलेस्ट नंबर है, ये 98 का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। राइटिंग एंड रीडिंग लार्ज नंबर्स, अब इसको लिखना कैसे है और पढ़ना कैसे है ये हम देखेंगे। लार्ज नंबर्स आर रिटन एंड रेड डिफरेंटली इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, हाउ लेट्स फाइंड आउट। हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ने का तरीका नंबर्स को थोड़ा सा अलग होता है। कंसिडर अ 9-डिजिट नंबर एंड से 521593468 एंड रिप्रेजेंट इट ऑन एन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, ये जो नंबर हमें एक नंबर दी हुई है, हमें इसे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखकर बताना है। तो कैसे लिखेंगे हम देखिए, सबसे पहले हमको मालूम है कि वंस टेंस और हंड्रेड, ये देखिए यहाँ पर वंस टेंस और हंड्रेड, ये सेम होता है दोनों नंबर सिस्टम में, ये सब में एक साथ है। लेकिन इसके बाद फिर इंडियन नंबर सिस्टम में टू डिजिट चलने लगते हैं, तो उसके बाद कौन सा प्लेस आता है, थाउजेंड का प्लेस आता है, और वहां पर दो नंबर आ जाती है, पहली नंबर होती है थाउजेंड और दूसरी नंबर होती है टेन थाउजेंड। फिर उसके बाद लैक का प्लेस आता है, लैक के प्लेस में पहली नंबर होती है लैक्स और दूसरी नंबर होती है टेन लैक्स। फिर उसके बाद करोड़ का प्लेस आता है, करोड़ के प्लेस में पहली नंबर करोड़ होती है और दूसरी नंबर टेन करोड़ होती है। तो ये जो हमारे पास नंबर बनी, ये किस तरीके से बनी, इसके बीच में यहाँ पर कॉमा लगाया जाता है। जब इस नंबर को हम लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से पहले तीन डिजिट के बाद कॉमा लगेगा, फिर टू डिजिट के बाद, फिर टू डिजिट के बाद, फिर टू टू डिजिट, इस तरीके से चलते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर करोड़ के प्लेस पर क्या है, 52, तो 52 का हम करोड़ के प्लेस पर लिख देंगे, देखिए यहाँ पर। फिर लैक्स के प्लेस पर क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, तो 15 को हम लैक्स के प्लेस पर लिख देंगे। और थाउजेंड्स के प्लेस पर क्या आ रहा है, 93 को हम थाउजेंड्स के प्लेस थाउजेंड्स लिख देंगे। और फिर 400, हंड्रेड के प्लेस पर क्या है, 4 है, टेंस के प्लेस पर क्या है, 6 है, और वंस के प्लेस पर क्या है, 8 है। ये हो गया 468, तो इसको हम 468 को हम वंस के प्लेस पर लिख देंगे। तो यहाँ पर अब हमें कॉमा जो लगाना है, ये देखिए कॉमा लगा हुआ है, पहले वंस टेंस हंड्रेड, फिर उसके बाद कॉमा, फिर थाउजेंड टेन थाउजेंड, फिर कॉमा, फिर लैख टेन लैख, फिर कॉमा करोड़ टेन करोड़, इस तरीके से ये नंबर हमारी बनती है, इस तरीके से नंबर लिखी जाएगी। अब इस नंबर को हम कैसे पढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 52,15,93,468 एंड नॉट 468 वंस, वंस नहीं बोलना है हमें, सिर्फ इस तरीके से हमें ये बोलना है 58,15,00,000, ऐसे नहीं लगाना है यहां पर, 93,468, इस तरीके से इंडियन नंबर सिस्टम में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को पढ़ा जाता है। नाउ रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन एन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, अब हम क्या करेंगे, इसी नंबर को इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पर प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे करेंगे। इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, वंस टेंस और हंड्रेड, वंस टेंस और हंड्रेड ये सेम होते हैं दोनों नंबर सिस्टम में। तो देखिए यहां पर ये 468, ये तो वैसा ही है, 468 वैसा ही है, लेकिन थाउजेंड वाले प्लेस पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तीन प्लेस आते हैं, एक थाउजेंड का प्लेस आता है, एक टेन थाउजेंड का, ये तो सेम है, लेकिन हंड्रेड थाउजेंड का प्लेस ये बढ़ जाता है। इस तरीके से इसके बाद थाउजेंड्स के बाद लाख नहीं आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में, इसके बाद आ जाता है मिलियंस, और मिलियंस के भी फिर तीन प्लेस होते हैं, फर्स्ट प्लेस में मिलियंस आता है, फिर टेन मिलियंस आता है, और उसके बाद फिर हंड्रेड मिलियन आता है। तो अभी जो नंबर बन जाएगी आपकी, वो देखिए किस तरीके से बनेगी, 521, ये जो 521 मिलियन के प्लेस पर, मिलियन के प्लेस पर क्या आ रहा है 521, तो 521 क्या हो जाएगा, मिलियन, और फिर देखिए थाउजेंड के प्लेस पर क्या आ रहा है, 59 और 3 आ रहा है, तो 593 आ जाएगा, 1593,000, और 468 ये तो वैसे ही रहेगा 468। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे देखिए, अच्छा कॉमा जो लगाया जाएगा वो 33 डिजिट के बाद लगाया जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाया जाता है। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इस नंबर को, इस नंबर को हम पढ़ेंगे 521 मिलियन, 521 मिलियन, 593,000, 593,000 एंड 468 दोनों नंबरों में सेम रहेगा, सिर्फ जो है उसके बाद के नंबर्स बदले जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, दोनों सिस्टम में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले देखिए डिजिट्स इन पीरियड, पीरियड्स की जो डिजिट्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में
वंस का जो पीरियड है वो 3 डिजिट होती है और बाकी ऑल अदर पीरियड्स में 2 डिजिट होती है और इंटरनेशनल सिस्टम में ऑल पीरियड जितने भी पीरियड्स हैं वो सारे के सारे 3 डिजिट के होते हैं। फिर है नेम ऑफ पीरियड। नेम ऑफ पीरियड के हमें क्या डिफरेंस है? इन इंडियन नंबर सिस्टम वी हैव पीरियड्स नेम्ड एज वंस, थाउजेंड, लैक्स एंड करोड़। इंडियन नंबर सिस्टम में जो पीरियड्स होते हैं उनका नाम क्या होता है? वंस होता है, थाउजेंड्स होता है, लैक्स होता है, करोड़ होता है। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है? वंस तो सेम होता है लेकिन उसके बाद थाउजेंड्स भी सेम होता है और उसके बाद लेकिन मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियन इस तरीके से शुरू हो जाता है। नेक्स्ट देखिए रिलेशन बिटवीन द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? स्टार्ट की इंडियन नंबर सिस्टम में जो 1 लाख होता है इंटरनेशनल सिस्टम में ये बन जाता है 100,000। इस तरीके से इंडियन सिस्टम में जो 10 लाख होता है इसे हम इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन कहते हैं। 1 करोड़ को 10 मिलियंस कहते हैं और 10 करोड़ को 100 मिलियंस कहते हैं। ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 खत्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।